मैं नाम नहीं लूंगा, इसका नाम ले, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि गद्दारों का नाम इस पार्टी में नहीं लिया जाता है। क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ? अगर कोई हमारे बीच आया है कोई बात नहीं, परंतु टिकट टिकट में थोड़ा काम करवा ले, उसको पहले थोड़ा पसीना बहावा ले, उसको पहले झंडे का रंग याद करवा दे कि हमारा दो कलर का झंडा है, बीच में कमल का निशान है, कमल का निशान उस व्यक्ति को याद करवा दे, व्यक्ति याद रखे कमल का निशान। हमारे मुख्यमंत्री हमारे धूमल जी, वो उनका विचारों का हार जाना और मुख्यमंत्री ना बनना, हम सभी आज इस टाइम पे इस स्थिति में हैं कि हम लवारिस हो गए हैं। वो टिकट जो है जो आगे ठीक है, लेकिन टिकट जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसी को ही मिलनी चाहिए और उसी के लिए हम पूरी जान लड़ाएंगे और उसको आगे लेकर के जाएंगे और उसको चुका सकते हैं। क्या मेरी बात, मैं ये प्रचार कर रहा हूँ कि ये प्रचार आपके लिए मंजूर है, तो सारे हाथ उठा के बताओ, सारे हाथ उठा के बताओ। ये भी बता देना जसू साहब, पार्लियामेंट में कांगड़ा मंडल और भाजपा के नेताओं ने एक चुट्टा का पाठ पढ़ा के 22,900 वोटों से तुझे हराया है और तेरा पतन वहीं से हुआ है। पार्टी के किस कलर का पता लगेगा, पार्टी के झंडे के कलर का पता लगेगा? ऐसे थोड़ी है भगवान धारी आगे राजनीति की तैयारी करो, ऐसे ऐसे सेक्टर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, बार बार इस बात को दोहराते हैं, लेकिन मुझे आज यहाँ बैठे कार्यकर्ता बताएं कि किसी भी कार्यकर्ता को हमारे कांग्रेस विधायक को मिलाने से पहले किसी से बात करी करी किसी से बात? श्री जयराम ठाकुर जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि टिकट हमारे में से किसी को दिया जाए, क्योंकि 15 साल से अगर हम जहर पी रहे हैं तो हमारे को और जहर मत पिलाना, मत पिलाना, नहीं तो हो सकता है कि हम सब मर जाएंगे। विधायक पवन काजल की भाजपा में एंट्री से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। काजल की एंट्री से भाजपा मंडल नेताओं में हड़कंप समझ गया है। भाजपा मंडल के नेताओं का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि वह शीर्ष नेतृत्व को भी कोसने से नहीं हट रहे हैं। भाजपा में टिकट के चाहवान व भाजपा मंडल कांगड़ा पवन काजल के विरोध में फ्रंट लाइन पर खड़ा हो गया है। आज शनिवार को गुरकड़ी के होटल सागर ग्लोरी में यह सारा नजारा देखने को मिला। यहाँ एक तरफ तो कमल के खेलने की दुहाई दे रहे थे तो दूसरी ओर एक नया रेडीमेड कमल खिलाने की बात हो रही थी। टिकट की चार रखने वाले भाजपा के नेताओं में बीरेंद्र चौधरी, रमेश बराड, कुलभाष चौधरी, प्रकाश सोनी, सुरेंद्र काकू, नीतू धमी, रेखा चौधरी, पवना चौधरी सहित तमाम भाजपा नेताओं का यही कहना था कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व अगर पवन काजल को टिकट देता है तो हम अपना ही प्रत्याशी उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे और कांगड़ा में अलग से रेडीमेड कमल खिलाएंगे। भाजपा के नेताओं ने पवन काजल के खिलाफ अपनी भड़ास तो ऐसे निकाली कि कुछ नेताओं ने तो गुटबाजी जैसे शब्दों से शीर्ष नेतृत्व को संबोधित कर डाला। बैठक में विरोध इस कदर बढ़ रहा था कि मानो भाजपा मंडल ने अपना खुद का प्रत्याशी चुन लिया हो। मंजर यह था कि भाजपा के सताए कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही कसूरवार ठहरा दिया और हमारे समक्ष जो कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं ये भी बहुत दुखी हैं। देखिए जो आज एक आपद के रूप में जैसे बरसात आज आपद के रूप में गिरी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांगड़ा मंडल के विशेषकर एक आपद के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक ऐसी आपद सौंपी है जिसे हम पहले नहीं बचा पाए थे। ये भी बता देना जसू साहब, पार्लियामेंट में कांगड़ा मंडल और भाजपा के नेताओं ने एक चुट्टा का पाठ पढ़ा के 22,900 वोटों से तुझे हराया है और तेरा पतन वहीं से हुआ है और इस पतन के डर से वो इसी कारण पता नहीं क्या उसने जमीला पिया क्या मतलब ताना बाना बुना और हमारी पार्टी में आ गया अपनी लाज बचाने। पर यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भाजपा के सताए कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री धूमल में इन कंपैरिजन कर दिया। अब देखना ये होगा कि इन नेताओं का गुस्सा किस ओर जाता है और शीर्ष नेतृत्व इसे कैसे शांत करता है। हमारे मुख्यमंत्री हमारे धूमल जी, वो उनका विचारों का हार जाना और मुख्यमंत्री ना बनना, हम सभी आज इस टाइम पे इस स्थिति में हैं कि हम लवारिस हो गए हैं।
बहरहाल शीर्ष नेतृत्व ने विधायक पवन काजल को कांगड़ा भाजपा का बिग बॉस बनाकर तो भेज दिया है। अब पवन काजल इन सभी को कैसे इकट्ठा करते हैं, ये पवन काजल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इन सभी भाजपा नेताओं ने बैठक में कहा कि अगर विधायक पवन काजल ने भाजपा में एंट्री की है तो उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन काजल अगर सोच रहे हैं कि उन्हें टिकट से चुनाव लड़ाया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पवन काजल को अपना प्रत्याशी उतार दिया तो मंडल अपना प्रत्याशी उतारने से भी गुरेज नहीं करेगा। सीधे सीधे तौर पर देखे तो भाजपा मंडल कांगड़ा ने आज विधायक पवन काजल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। एक व्यक्ति यहाँ पार्टी में आ गया तो कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।